तो फ्रेंड्स मम्मी मना कर रही हैं कढ़ी बनाने के लिए, तो चावल बनेंगे। तो चावल तो हर बार बनते हैं और मीठे चावल बनाए जाते हैं, तो मैं गुड़ डालकर बनाती हूँ मीठे चावल। तो गुड़ देखती हूँ है या नहीं, नहीं तो फिर चीनी डालूँगी। और मीठे चावल तो बनते ही बनते हैं, जिससे कि शीतला माता का भोग लगाया जाता है और शीतला माता को ठंडा भोजन बहुत पसंद होता है, तो इसलिए हर कोई तरह तरह के पकवान बनाता है एक दिन पहले और फिर सुबह जल्दी जग के नहाने के बाद में शीतला माता को पूजने जाते हैं। तो मैं भी जाऊंगी शीतला माता को पूजने सुबह, और मेरे मायके में बिना नहाए जाते हैं बांसवाड़ा पूजने। देखिए हर जगह हर किसी की अलग अलग रस्में होती हैं, शादियों में हर किसी की अलग अलग होती हैं, त्योहारों में हर किसी की अलग अलग होती हैं, तो हमारे यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहा के जाते हैं और वहाँ मम्मी के यहाँ तो बिना कोई भी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं, केवल हाथ पैर धो के और बिना नहाए पूजते हैं बांसवाड़े को। तो बस यहाँ देखिए पूरी स्लिप को मैं साफ़ करूँगी पहले, क्योंकि मैया के लिए बनाना है भोजन तो साफ तो करना ही है। और लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ जाएगी तो मैं पानी भरने के बाद में उसके बाद बनाऊंगी जो भी बनेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं, तो मैं थोड़ा लेट बना लूँगी। कल तुम्हारा पेपर है क्या, कल जाना है? तो कल तो इनका एग्ज़ाम है, तो ये जाएंगे तो 11:30 बजे तक आ जाते हैं जल्दी, तो थोड़ा लेट बना लूँगी मैं, तो वैसे कुछ खा जाएंगे नाश्ते में। तो चलिए मैं अभी मिलती हूँ आपसे। और यहाँ फिर मैं अपनी किचन को साफ़ करके पूरी को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। और यहाँ मैंने पानी भी भर लिया था, लाइट आ गई थी, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी किचन को साफ़ करने के बाद मैं पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी जो चावल बनेंगे पूजने के लिए। तो यहाँ ये दूध भी आ गया था, तो मैंने सोचा इस दूध को भी साथ के साथ ही रख देती हूँ गर्म करने के लिए, ये भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ जो पानी मैंने अभी भरा है वो यही है, तो बस इसे मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी और इतने में मैं अपने चावलों को साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ चावल भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, और ये चावल बनाने के लिए मैंने जो खीर के चावल आते हैं वो लिए हैं, इन्हीं के चावल, ये मीठे वाले बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पानी गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। और ये चावल हमें कितने पकाने हैं वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं ये चावल, तब तक हमें पकाना है इन्हें। और इधर मेरा दूध गर्म हो गया है, तो फिर मैंने सोचा इस गैस पे से मैं चावलों को इस पे ही पका लेती हूँ, क्योंकि ये वाली गैस बहुत कम चलती है, साफ़ करानी पड़ेगी। और देखिए ये इस तरीके से चावल हमें पकाने हैं, बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं, क्योंकि अब इसमें हम जो मीठा डालना चाहते हैं वो डालेंगे। तो मैं डालूँगी इसमें गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके डालूँगी। तो यहाँ जो गुड़ था वो मैंने पॉलिथीन में रख लिया है और इसे मैं फोड़ ले रही हूँ, क्योंकि फोड़ने के बाद में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा इसमें। तो देख रही थी मैं कि इसमें कुछ है तो नहीं है, तो ये मैंने थोड़ा सा कुछ तिनका सा निकला था वो मैंने फेंक दिया है, और इसे हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाए, अच्छे से ये पक नहीं जाए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे लग भी सकते हैं। तो यहाँ चीनी भी मैंने डाल दी है, और ये चावल बहुत टेस्टी लगते हैं सुबह बासे हम खाते हैं जब मैया का भोग लगा के, और प्रसाद में तो वैसे भी एक अलग ही मिठास होती है। तो बस इन्हें मैं जल्दी से मिला लेती हूँ और अभी आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ना, इस तरीके से ये बन जाते हैं, तो ये खदकने भी लगे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, घर का भी पूरा काम हो गया है। तो बस अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं थाली में क्या क्या ले जाती हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने फरे बनाए थे जो मैया के पूजने के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ आटा मैंने छान के रख लिया था, और ये जो कलसी आपको दिख रही है इसमें मेरा पूजा का पानी ही रहता है, तो ये अलग रखी रहती है। तो मैया के लिए मैं फरे बना रही थी, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं, तो इन्हें मैं मार लूँगी आटे को और फिर बनाऊँगी इनके फरे। कितने
हाँ, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी तैयार हो गए हैं क्योंकि मेरे साथ मंदिर भी जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि बच्चों को लेट ना हो जाए स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ कनिष्का भी तैयार हो गई है और ये वीडियो जो बना रहे हैं वो हैं शिव महाराज। सच में बच्चे हमारी बहुत हेल्प करवाते हैं और हम छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर नाराज़ हो जाते हैं, तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमें बाद में समझ में आता है कि हम भी तो बच्चे थे और हमें भी तो डांट पड़ती थी, तो ये तो चलता रहता है। तो थाली हमारी लग गई है पूजा के लिए। ये हैं जो चावल बनाए थे रात को, और ये दही, फूल, हल्दी, गुड़ और घी, और इसमें अभी रोली रखनी है मुझे। और ये बना रही हूँ मैं फरे, जो अभी मैंने आटा आपके आगे बनाया था उसके, और रोली लेके ही रोली ले आ जा। इतने सारे बंदर मर रहे हैं। क्या? और बच्चे हो गए हैं तैयार स्कूल जाने के लिए क्योंकि इनका एग्जाम है, तो अभी ये खा के चले जाएंगे। नहीं, नंगे पैर चलेंगे। तो थाली लग गई है हमारी, बस इसे हम ढक्के और चल रहे हैं अभी। और यहाँ मंदिर जाने के लिए हम हो गए हैं तैयार। और जो ये गुलड़ियों की माला होती है ये भी मैंने ले ली है क्योंकि ये भी मैया को चढ़ाई जाती है, और मैं हर बार नंगे पैर ही जाती हूँ। तो बच्चों को भी कहती हूँ कि आप भी नंगे पैर ही चलिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो यहाँ बस मंदिर के लिए हम तैयार हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर। और मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ मैंने पूजा शुरू कर दी है अपनी, और पूजा तो हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, और किसी को आए या ना आए बस पूजा तो करनी चाहिए क्योंकि भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ बस मैं पूजा करने के बाद मैं फिर आपको मिलती हूँ। और यहाँ मैंने जो ये गुलड़ियों की माला लेके आई थी वो मैंने यहाँ मैया पे चढ़ा दी हैं। ये एक साइड में रखी जा रही थी तो मैंने वहीं रख दी हैं, और फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ परिक्रमा। और यहाँ कुछ लेडीज़ें अग्यारी भी जला रही थी, दीपक भी जला रही थी, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो मैं दीपक वगैरह नहीं लेके आई थी, तो मैंने यहाँ नहीं जलाया था दीपक। और फिर मैं यहाँ बस पैर छू लूँगी, और पैर छूने के बाद मैं बाहर निकलूँगी। तो यहाँ बाहर निकलते ही मुझे गाय मिल गई थी, तो मैंने यहीं गैया मैया को पूज दिया था और चावल और दही खिला दिया था यहीं मैया को। तो यहाँ सभी पूज के जा रहे थे, तो इनकी हल्दी लगी हुई है माथे पे, तो मैंने भी यहीं पूज दी थी मैया को। कहते हैं ना कि दिन तो सबके आते हैं, तो आज तो कुत्तों का भी दिन था, तो कुत्ते ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन घर जाते जाते मुझे कुत्ता रास्ते में ही मिल गया था, तो मैंने वहीं उसे पूज दिया था। लाली हमारे क्या क्या छुपा हुआ था, धुएला है तो
गैया तो खवाया ही कुत्ता हुआ दोनों ने खवाया अब बस लाली खा गई। वैसे कुत्ते को ब्रह्मराक्षस कहते हैं। किससे कुत्ते पांच पांच। तो फ्रेंड्स पूजा नाम करके आ चुके हैं, तो आपने देखा और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।